क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 अब करीब आ चुका है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर संशय बना हुआ है। आपको बता दें कि 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 42 सीआरपीएफ जवानों के शहीद होने से जहां एक तरफ पूरे देश शोक में डूबा हुआ है, तो वहीं बहुत से लोग गुस्से में भी नजर आए। सूत्रों के मुताबिक अब यह वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करने की बात भी सामने आ रही है। आईसीसी के मौजूदा सीईओ रिचर्डसन ने कहा, पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले से प्रभावित लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है और हम बीसीसीआई के और पाकिस्तान बोर्ड पीसीबी सहित अपने सदस्यों के साथ हालात पर नजर रखेंगे। लेकिन अब बीसीसीआई के सूत्रों से पता चला है कि यह मुकाबले को टाला भी जा सकता है और आईसीसी का इसमें कोई योगदान नहीं होगा। इससे एक बात तो तय है कि अगर ऐसा होता है तो मैनचेस्टर में होने वाले मुकाबले यानी कि 16 जून को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला टल सकता है। दरअसल आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष रिचर्डसन ने विश्व कप का काउंटडाउन शुरू होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि दोनों वोट्स की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं है कि आईसीसी पुरुष विश्व कप का कोई मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं होगा। हमने अब तक इस बारे में दोनों बोर्ड को कुछ भी नहीं लिखा है। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर कुछ समय बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर हमारी सरकार को लगता है कि हमें पाक से नहीं खेलना चाहिए तो जाहिर है कि हम नहीं खेलेंगे। सूत्रों के मुताबिक अगर पाकिस्तान से मैच नहीं होता तो उसके अंक उन्हें ही मिलेंगे। वहीं फाइनल में भारत और पाक का सामना हुआ और इंडिया टीम अगर नहीं खेलती है तो पाकिस्तानी टीम बिना खेले ही चैंपियन बन जाएगी। इससे पहले भी 3 बार विश्व कप में ऐसा हो चुका है जहां टीमों ने दौरा नहीं किया था। ऐसे वक्त में दूसरी टीम को पॉइंट मिल गए, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मामले में क्या होगा इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए CMN न्यूज़।